हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे चैनल चटपटी रसोई में। तो आज हम बनाने जा रहे हैं यूपी स्टाइल बड़ा। इसे बनाना बहुत ही आसान है और इसे अलग अलग नाम से भी जानते हैं, तो हमारे यहाँ बड़ा इसे बोलते हैं। तो इसे आज हम बनाएंगे और दिखाते जाएंगे कि इसमें क्या क्या सामग्री लगेगी। तो अगर उससे पहले मेरे चैनल पर नए आए हो तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर दीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए और कमेंट करके मुझे बताइए कि कैसी लगी रेसिपी। तो चलिए शुरू करते हैं। तो यहाँ पे मैंने उड़द की दाल ली हुई है, 1 पाव उड़द की दाल है, आप आवश्यकता अनुसार ले सकते हैं। तो इसे अच्छे से साफ से धो लिया है और कहीं कहीं एक एक छिलके रह गया है, तो आप बिना छिलके वाला उड़द इस्तेमाल कर सकते हैं। तो यहाँ पे हमारा थोड़ा सा उसमें छिलका था, तो इसे अच्छे से साफ किया था धो के 4-5 पानी से, फिर भी एक एक दो रह गया है छिलके। तो इसे अब हम छान लिए हैं। अब इसे हम दरदरा थोड़ा सा पीस लेंगे, चाहे मिक्सी के जार में पीस सकते हैं या सिलबट्टे में पीस सकते हैं। तो चलिए पीस के हम दिखाते हैं आपको। तो यहाँ पे हमने मिक्सी के इस जार में डाल दिया है, यहाँ पे हम मिक्सी के जार में पीसेंगे। तो इसमें हम 2 हरी मिर्च डाल देंगे, तोड़ के डाल दिया है हरी मिर्च को, और 2-3 लहसुन की कलियाँ इसमें डाल दिया है, थोड़ा सा अदरक का टुकड़ा डाल दिया है। तो अच्छे से इसे पीस लेंगे, पानी बिल्कुल नहीं डालना है और थोड़ा हल्का दरदरा पीसेंगे। तो ये देखिए यहाँ पे हमने पीस के तैयार कर लिया है, कितने अच्छे से एकदम स्मूथ पीसा हुआ है। तो अब हम इसमें हींग मिला लेंगे, एक छोटी चम्मच हम डाल देंगे, 1 चम्मच। अब हम डाल देंगे जीरा, 2 चम्मच। अब हम डालेंगे काली मिर्च पिसा हुआ, 1 चम्मच। और अब हम डालेंगे स्वाद के अनुसार नमक। अब मिक्स कर लेते हैं अच्छे से मिक्स कर लेंगे। मिक्स हो गया है तो अब हम बड़ा बनाना शुरू करेंगे। तेल हमने पहले ही गर्म होने के लिए रख दिया है और अब हम थोड़े से हथेलियों में पानी लगा के और उस पे बनाएंगे गोल, और बीच में हम गोला बना देंगे और तेल में डाल देते हैं। इसी तरह हम पूरा बना लेंगे और आँच को स्लो रखेंगे। तो ये देखिए हमने 12 डाल दिया है, यहाँ पे 6 12 आए हैं तो यहाँ पे हमने डाल दिया है। अब हम इसे पलट देंगे एक एक करके। एक तरफ सुनहरा कलर आ गया है, ये देखिए। और इसी तरह धीमी आंच पे पकाएंगे ताकि अंदर तक ये पक जाए। तो ये देखिए कितना अच्छा कलर आया है, सुनहरा कलर आया है, अच्छे से पक गया है। तो अब हम 1 मिनट में इसे निकाल लेंगे, 1 मिनट तक पका लेंगे और थोड़ा सा, ताकि अंदर तक पक जाए, फिर हम सर्व करेंगे। तो 1 मिनट हो गए हैं, अब हम इसे निकाल लेंगे बारा को। और निकाल के सर्व कर देंगे। तो ये देखिए हमने सर्व कर दिया है, दिखने में टेस्टी लग रहा है। आप इसे हरी चटनी के साथ बहुत अच्छे से खा सकते हैं, बहुत अच्छा लगता है। तो अगर मेरी रेसिपी आप लोगों को अच्छी लगी हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए और कमेंट करके मुझे बताइए कि कैसी लगी रेसिपी। तो फिर मिलते हैं एक नई रेसिपी के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।